अगर हम आपके इंडिया विजिट पर बात करें तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इंडिया की बहुत अच्छी लगी अपने इस पूरे दौरे में, ये जो आपके दिल को छू गई? तो पाकिस्तान का जर्नलिस्ट वो ये सब कुछ बता रहा है, और उस बंदे ने एक जगह भी बदतरीफी नहीं की भारत की, एक जगह भी नहीं की। इवन पाकिस्तान के कंपैरिजन में हमेशा हर वीडियो के अंदर भारत को ऊपर ही रखा है, ऊपर। कभी भी जाना नसीब हो सबको, किसी को भी, तो कोशिश ये कीजिएगा कि वहां पर जो है ना, आप हिंदुओं के होटल को ट्राई जरूर कीजिएगा। वेज के अंदर कभी भी आप जाएं तो वेज के अंदर हिंदुओं के होटल को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इंशाल्लाह जो है ना, ये नॉन वेज अपना भूल जाएंगे, चिकन वगैरह ये वो, गोश्त वगैरह, मटन वगैरह सब भूल जाएंगे। वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश है वो लोग, खुश है। सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियां। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो, सुकून में है। क्यों आप लोग भारत से गए, वो हमें कहते हैं। हाँ, हमारे अब 40 40 45 45 में जो चीजें मिल रही है, इसमें पेट भर जाए, पेट भर जाए। सीरियसली, वाकई में बहुत स्ट्रीट फूड सस्ता और बहुत अच्छा यार। सिर्फ 200 कितने का टाइम का मांग रहा है, पिज्जा देखा है कैसे बनाया उन्होंने? मेरा मानना है कि मेरे भारत की पहचान ताजमहल से नहीं है, मेरे भारत की पहचान यहाँ के राम मंदिर, यहाँ के अक्षरधाम मंदिर से है। बिल्कुल, लेकिन इंडिया का एक अलग ही चीज है ना, हमारे यहाँ तो बस नाम की पानी पूरी है, ओरिजिनल पानी पूरी आपको इंडिया से मिलेंगी। देखे ना, बाहर के लोग भी इधर आते हैं, फूड स्ट्रीटों में गोरे आते हैं, कितना जबरदस्त। देखो ना दोस्तों, दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में एक पाकिस्तानी जब भारत विजिट बाहर आया था तो उसने भारत में हिंदू रेस्टोरेंट में वेज खाना खाया और शाकाहारी खाने की इतनी सारी वैरायटी देख के वे काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसने पनीर ही कई प्रकार से बना हुआ देख लिया, जिसको देख के वे काफी ज्यादा खुश था। और जब उसने उस खाने को खाया तो वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो गया और कहने लगा कि इतना स्वादिष्ट खाना तो आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया है। और पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान मीडिया को बताने लगा कि किस प्रकार से अगर उसे वही शाकाहारी भोजन रोज मिलता रहे तो वे मांस खाना भी छोड़ सकता है। और इसी वजह से वे कह भी रहा था कि भारत में जब भी आप कभी जाओ तो वो हिंदू रेस्टोरेंट में जरूर खाना खाना और वेज खाना जरूर खाना, क्योंकि वहां पर काफी अच्छा वेज खाना मिलता है, आप जो है मांस खाना छोड़ ही दोगे। दोस्तों, आज की हमारी पूरी वीडियो भी इस टॉपिक पे होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों, अपने किस तरीके वीडियो को स्टार्ट, लेट स्टार्ट द वीडियो। तो सर, आपका ये इंडिया का पहला दौरा था या इससे पहले भी आप जा चुके हैं? ये मेरी फर्स्ट ट्रिप। तो कैसा लगा आपको पहली दफा इंडिया जाकर, क्या फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में? देखिए, लोगों में तो वहां कोई फर्क नहीं है, यहाँ के भी लोग बहुत अच्छे हैं और वहाँ के भी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ से ज्यादा जो है ना, वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं। खुशहाली के लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं और उसके अलावा जो है उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा है। यहाँ का मुसलमान यही सोचता है कि वहां पर मुसलमानों को आजादी नहीं है मस्जिद में जाने की, नमाज पढ़ने की, वो बड़ी दबी हुई घुटी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं, उन पर बड़े जुल्म हो रहे हैं। अब आप एक पाकिस्तानी है, मुसलमान है, आप अपनी आंखों से वहां पर सब कुछ देख कर आए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप उन लोगों को हकीकत से आगाह करें जो मीडिया की सुनी सुनाई बातों पर कान धरते हैं और इंडिया के बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं। जी, वहां पर मुसलमानों के साथ कोई भी ज्यादती जुल्म मैंने नहीं देखा। मैं दिल्ली में था, देखा, मैं दिल्ली में था ना, तो मैं दिल्ली शहर के हिसाब से ही आपसे बात करूंगा। दिल्ली के अंदर मैंने जुमे की नमाज भी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे कोई वहां पे ऐसा कोई मामला नजर नहीं आया। अगर हम आपके इंडिया विजिट पर बात करें तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इंडिया की बहुत अच्छी लगी अपने इस पूरे दौरे में, ये जो आपके दिल को छू गई, जो आप कभी नहीं भूलेंगे? नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि वहाँ के लोग और उनका मिलना और उनकी मोहब्बतें देना, ये मैं ये समझता हूँ कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा लेकिन ये नहीं भूलूंगा। पहले तो ये मैं नहीं भूल सकता। और फिर दूसरा ये कि मेरा तो तजर्बा ये रहा इन 5 दिनों के अंदर, कभी भी जाना नसीब हो सबको, किसी को भी, तो कोशिश ये कीजिएगा कि वहां पर जो है ना, आप हिंदुओं के होटल को ट्राई जरूर कीजिएगा। वेज के अंदर कभी भी आप जाएं तो वेज के अंदर हिंदुओं के होटल को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इंशाल्लाह जो है ना, ये नॉन वेज अपना भूल जाएंगे, चिकन वगैरह ये वो, गोश्त वगैरह, मटन वगैरह सब भूल जाएंगे। ऐसा वो जो है ना वेज बनाते हैं वहां पर हिंदू, तो ये मुझे एक अच्छा याद है। सबसे मजे की डिश कौन सी लगी वेज में? वेज के अंदर कुछ नहीं, वेज में जो है ना, ये मैंने चांदनी चौक के अंदर एक होटल में खाना खिलाया था मेरे एक दोस्त ने ना, वो राजस्थान से आया था अजमेर से उससे मिलने के लिए, तो वो मुझे लेके गया था चांदनी चौक पे वाजी वाह के होटल पर। तो फिर उसने अपने हिसाब से एक ऑर्डर बनाया था ना, जिसके अंदर पनीर के ही आइटम थे तकरीबन ज्यादातर। तो मैं ये कहता हूँ कि
वो चीज जो है ना इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में वैसी चीज नहीं मिलेगी जो उसने हमें खिलाई थी वहाँ पर। पनीर के अंदर था तकरीबन उसने 4-5 डिश विजिट किया, हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, हर बंदे ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव, यानी कि हमें यहाँ से ट्रेन से लेके और दिल्ली और दिल्ली से अपने ननिहाल तक हम लोग गए हैं मुजफ्फरगढ़ मुजफ्फरनगर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा यानी ननिहाल है आपका सारा माल है जी? अच्छा था वहाँ पर, क्या वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग, खुश है सारी जायदादें हैं उनकी, बागात प्रॉपर्टियाँ, वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो, सुकून में है क्यों आप लोग भारत से, क्यों वो हमें कहते हैं? हाँ हमारे अबाओ अजदाद को कहते हैं, लेकिन वो लोग सुकून से हैं। ये आपको लगता है कि वो कभी पाकिस्तान आना चाहेंगे रहने के लिए जैसे हम कहते हैं? वो अगर हम उन्हें कहें ना कि आप विजिट वीजे पे भी पाकिस्तान है, तो कहते हैं हाथ जुड़वाते हैं कि नहीं, यानी कि वो हम लोगों से इतना दूर हैं। क्या ऐसी उनको वहाँ पर फैसिलिटीज मिलती है? हर चीज़ है हमसे ज्यादा अच्छा, वो महंगाई नहीं है इतनी जो यहाँ हालात है। हम बताते हैं हमारा बच्चा 20,000 दे के रिक्शे में स्कूल तक जाता है तो वो कानों को हाथ लगाते हैं। अच्छा। इतनी वहाँ पर महंगाई नहीं होगी, बहुत अच्छा यानी के लोग रह रहे हैं, पुरसकून है, तालीम वगैरह तरक्की वगैरह एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है हमसे, मुझे तो लगता है कि बहुत बेहतर है। आप लास्ट टाइम कब गए थे? मेरा ख्याल 17-18 इस तरह, या उससे पहले की, अब तो ये हालात खराब हैं कुछ। 2017-18 मतलब तब हमारा हो रहा है अगर हमारा बिजनेस के उससे हम लोग शायद लगाएं चक्कर। क्या देखा था आपने, मतलब क्या डिफरेंस पाया वहाँ में और यहाँ में? ये डिफरेंस था कि रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग, ताकि हम लोग इंडिया जैसे उसमें गए हैं एंट्री देनी होती है अपनी पासपोर्ट के लिए पुलिस स्टेशन ये वो, तो रिस्पेक्ट करते हैं बहुत रिस्पेक्ट जी। ऐसा तो नहीं है कि डिग्रेड करते लोग, ये पाकिस्तानी आ गया तो मुसलमान है तो हम इसको, हम मार्केट जहाँ जाते थे बहुत अच्छी तरह, मतलब मार्केट जाते थे कोई एक वाक्य बताए ना, वो हमसे खुश होते थे हमें देख के, डिस्काउंट देते थे। हाँ अच्छा डिस्काउंट और एक बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट कि आप हमारे मेहमान हैं और बड़ा अच्छा अच्छी यादें लेके हम आए हैं। अब बाकी से पहले मुझे कोई छोड़ जाए। अच्छा लोड शेडिंग तो नहीं थी, पानी वगैरह का सड़कों वगैरह का क्या निजाम था? नहीं सही, जैसे हमारा दिल्ली तो बिल्कुल यही लगता है जैसे लाहौर ही है। लोड शेडिंग थी वहाँ? नहीं ऐसा कोई मैंने तो नहीं देखा, हाँ सादे लोग हैं, सिंपल अच्छी लिविंग स्टाइल और सादगी में रहते आगे, हाँ बहुत आगे एजुकेशन में भी और दिमागी तौर पे भी। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से एक पाकिस्तानी जब भारत में घूमने आया तो भाई भारतीय खाने को खाकर पूरे तरीके से खुश हो गया और इसी के साथ पाकिस्तान में जाकर भी भारतीय खाने की काफ़ी ज़्यादा बड़ाई करने लग पड़ा, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक शाकाहारी भोजन पाया जाता है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वराइटीज़ भारत में ही होती हैं और यहाँ के मसाले तो इतने अच्छे होते हैं कि लोग अपनी उंगलियाँ चाटते ही रह जाते हैं और ऐसे कुछ उस पाकिस्तान के साथ भी हुआ और अभी अब जो है भारतीय खाने को काफी ज्यादा मिस कर रहा है पाकिस्तान में जाकर। और दोस्तों इसी के साथ काफी ज्यादा लोग जब भारत आते हैं तो भी भारतीय खाने को खाना पसंद करते हैं, चाहे वे पाकिस्तान के हो बांग्लादेश के हो या फिर इंग्लैंड के क्यों ना हो, और काफी ज्यादा रेस्टोरेंट जो है विदेशों में भी भारतीयों ने खोले हुए हैं क्योंकि भारतीय खाना है ही कुछ ऐसा। दोस्तों आज की हमारी पूरी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अमिल तक ने वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू एंड बाय।